अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अहमद लतीफ़ गुमन है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम किस तरह से तहवीला राजी का जो होता है हमारे पास उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, यानी उसका यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं ताकि देर नहीं हो। मैं जैसे इसको यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले इंग्लिश में लेता हूँ। तो यूज़र नेम पासवर्ड हमने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगी डोंट हैव एन अकाउंट येट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ गई होंगी। यहाँ पे तीन चीज़ें रिक्वायर हैं, योर नेशनल आईडी कार्ड और इकामा नंबर, जो तहवील राजी का जो हमारे पास ई रेमिटेंस कार्ड होता है उसका कार्ड नंबर हमें चाहिए, और एसएस टू रजिस्टर मोबाइल, जो रजिस्टर मोबाइल है वो आपके पास होना चाहिए। मैं यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो लीजिए सबसे पहले हमें आईडी नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पर अपने इकामा नंबर एंटर करता हूँ। सेकंड में यहाँ पे हमें अपने जो कार्ड है हमारे पास ई रेमिटेंस का, उसके ऊपर 19 डिजिट का एक कोड लिखा होता है नंबर से, वो हमें यहाँ पे एंटर करने हैं। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो उसके बाद थर्ड ऑप्शन में है पिन कोड। ये आपके पास जो ई रेमिटेंस कार्ड है तहवील राजी का, उसका आपको यहाँ पे कोड का नंबर देना पड़ेगा, उसका पिन कोड मैंने एंटर किया है। और इसको मैं ऊपर करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे टर्म एंड कंडीशंस है, आप इसको एग्री कीजिए। अगर आपको अप्लाई करना है तो करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो ये वन टाइम पासवर्ड हमारे मोबाइल पर सेंड करेगा जो रजिस्टर है। तो मुझे मिल चुका है यहाँ पे, मैं उसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए सेट योर पासवर्ड, ये यूज़र नेम है फर्स्ट पे। आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम कोई भी एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ अपना यूज़र नेम, कोई भी आप रख सकते हैं, वो रैंडम भी आपको देगा। आप उसको चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह नीचे आएंगे पासवर्ड, आप ये नीचे देख रहे होंगे कि जो चीज़ करेक्ट हो रही है वो हाईलाइट होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिक्वायर हैं, जैसा कि मिनिमम एक करेक्टर चाहिए हमें, 8 करेक्टर्स, मैक्स ऑफ लोअर यानी कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में एक एक लाजम होना चाहिए, मिनिमम 1 डिजिट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए 1, 2, 3 वाला, और नो स्पेशल करेक्टर, स्पेस और अरेबिक यानी क्या कहते हैं हम, स्पेस की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल डॉलर का साइन या कुछ ऐट दी रेट ऐसा कुछ आपने यूज़ नहीं करना। मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ। रिपीट पासवर्ड करता हूँ। तो लीजिए ये देख रहे होंगे पासवर्ड मैच हो चुका है। मैं इसको जस्ट कंटिन्यू करता हूँ। तो लीजिए वी हैव क्रिएट योर अकाउंट सक्सेसफुली, हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है, मुझे मेरे मोबाइल पे मैसेज भी रिसीव हो चुका है। तो अब हम इसको लॉगिन करते हैं। तो मैं यहाँ पे वही अपना जो यूज़र नेम क्रिएट किया है वो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। पासवर्ड, और इसको लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँगा ये मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक मैसेज शो हुआ है, कोड वन टाइम पासवर्ड जिसको बोलते हैं। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो लीजिए यहाँ पे हो चुका है स्टे अपलोड। मैं जैसे इसको अनेबल पुश नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देता हूँ और असेस डिवाइस लोकेशन में इसको डिनाई करता हूँ। तो लीजिए ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, हमने लॉगिन भी किया है। ये नीचे आपकी सारी लाइव चल रही हैं, मतलब होम ट्रांसफ़र, पेमेंट, लाइव रेट्स, ये सब कुछ और मोर में सेटिंग वगैरह ये सब कुछ है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
video tutorial with voice included.